इंदौर में एक वीडियो वायरल के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी तलवार और पिस्टल लहराते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां 2 माह पूर्व पाटनीपुरा में देवेंद्र नामक युवक का विवाह समारोह हुआ था। उस विवाह समारोह में दो युवक अभिषेक और विक्की तलवार और पिस्टल लहराकर वीडियो में नाचते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद आज सदर बाजार पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पिस्टल और एक तलवार बाजी जब्त की है, लेकिन जब पिस्टल को बारीकी से देखा गया तो मात्र एक खिलौने वाली पिस्टल थी, लेकिन देखने में असली लगती थी। वहीं तलवार असली मिली। पुलिस ने तलवार लेकर नाच रहे विक्की के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पिस्टल होने के कारण अभिषेक पर कोई अपराध नहीं बनता, इसलिए उसे पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के तलवार और रिवाल्वर ले रहे हैं, क्या है मामला पूरा कहां? ये मैंने है ये भी वीडियो देखा है, और ये करीबन आज से 2 माह पुराना है। पाटनीपुरा में एक विवाह हुआ था देवेंद्र नाम के व्यक्ति का, तो उसके विवाह में जो है अभिषेक और विक्की नाम के व्यक्ति हैं जो नाच रहे थे, और उनके हाथ में तलवार और एक के हाथ में जो पिस्टल दिख रही है, जिसको आज हम राउंड अप करके लाए हैं। तो तलवार तो मिल गई है, जो उन्होंने जो उनसे पिस्टल बरामद हुआ है वो खिलौना है, मतलब उसमें लाइटर के रूप में है, पर दिखता ऐसा है दूर से कि वो पिस्टल है, और जो जब्त हुआ है उसमें पिस्टल नहीं है, और अभी उनसे पूछताछ जारी है। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं अभी इसमें? तो चूंकि अब अपराध तो एक ही के विरुद्ध बन रहा है, जिससे तलवार मिली है, और जो वो है वो तो खिलौना है, तो खिलौने में क्या अपराध हुआ, इसलिए अपराध नहीं है।